हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 84 को सॉल्व करेंगे, जो कि 16 फरवरी की वर्कशीट है। इसमें आपको देखिए क्या करना है, इसमें एक पैसेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ के आपको अपने अंडरस्टैंडिंग बेस होकर इसका आंसर देने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो नीचे क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकंड प्लेस अमंग द पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री सेकंड प्लेस पर है पोल्यूशन करने के मामले, जितनी पोल्यूशन करती है इंडस्ट्री उसमें सेकेंड नंबर है फैशन इंडस्ट्रीज का। इट हैज़ एन एनॉर्मियस इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। ये बहुत सारे एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो काम भी कर रहे हैं, हमें पता है। फिगर फर्स्ट में देखिए आप, लुक एट द डाटा गिवन बिलो। देखिए, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्री। ये सेकंड लार्ज पोल्यूट्री पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री है। तो देखिए, सॉलिड वेस्ट निकलता है इसमें 21 बिलियंस निकलता है टन गार्बेज, और लिक्विड निकलता है 7 से 20% ग्लोबल वाटर पोल्यूट करता है ये। एंड अब द हैंडलिंग्स एंड देन पोल्यूटेड मैथोन अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस अ मेजर कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग 10% ग्लोबल कार्बन एमिशन। इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे हानिकारक जो गैस होती है वो निकलती है इसमें, और मीथेन, और वो 10% कार्ब, मतलब उस पर जितने भी 10% यहीं से वो मीथेन गैस आती है। अर्ली अप द वाटर बॉडीज एंड द फाइनली अप द ओशन। देख क्या होता है, ये जो वाटर बॉडी हैं ये ओशन में जाती हैं, हार ह्यूमन बीइंग एंड एक्सटेंडिंग बायोडाइवर्सिटी, और ये एक ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग है इंसान उनको नुकसान पहुंचाती है, और बायोडाइवर्सिटीज को भी इफेक्ट करती है ये। तो अब आगे पढ़ेंगे हम, आगे है शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर। तो देखिए, रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग होता है, यानी कि हर साल दूसरा बनता है। रीयूज होता है 8%, रिसाइकल होता है 10%, इंसिनरेशन होती है 25% की, और लैंडफिल 57%। तो अब हम फिगर 2 देखेंगे। इसमें देखिए, द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड ड्यू टू द फर्स्ट फैशन ट्रेंड। जो रेट है वेस्टिंग का क्लोथ के, क्योंकि आजकल फैशन का ट्रेंड बहुत जल्दी बढ़ रहा है, एंड फार मोर इज द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन, और मिलियंस टन्स ऑफ द क्लोथिंग वेस्ट आर डंप इन द लैंडफिल्स। वो जमीन में गाड़ जाते हैं बहुत सारे ऐसे फैशन के कपड़े, मतलब कपड़े ऐसे हैं जो हर साल जमीन में गाड़े जाते हैं, जो इसमें दिखाया। देखो, लैंडफिल्स में 57% है। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक में टेक बिटवीन 1 to 5 months फुली बायोग्रेड। उन्हें मतलब जो कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं एक कम से कम 1 से 5 महीने लग जाते हैं उन्हें बायोग्रेड होने में, बिल्कुल गलने में। बट द वेस्ट जनरेटेड द मिक्सचर ऑफ द नेचुरल एज वेल एज द सिंथेटिक फाइबर 20 to 200 ईयर्स डिकम्पोज टाइम। लेकिन कॉटन तो फ्री 1 से 5 महीने तक गल जाता है जमीन में गड़ के, लेकिन जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें 20 से 200 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। अ वायबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम मे बी द अडोप्ट ऑफ द एवरी टेक्निक रिजल्टिंग लोअर वेस्ट जनरेशन। जिससे कि आप देखो, जो चीज़ नुकसानदायक है और वो ज़मीन में गल नहीं रही है, तो कितना हमारी भूमि को अनुपजाऊ करती है। जीरो वेस्ट फैशन मे बी द स्टेप टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द सब्सटेंसली अ जीरो वेस्ट पॉलिसी। जीरो वेस्ट फैशन मे बी, अगर हम जीरो वेस्ट, अगर हम फैशन के जो कपड़े जिन्हें वेस्ट ना करके इनका कुछ रीयूज किया जा सके, तो ये पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड जीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडोप्टेड आइडेंटिफाई इन एफिशिएंसीज द रीयूज ऑफ द इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स पाउडर एंड वर्कफोर्स। जीरो वेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसे अडोप्ट करते हैं तो इसमें इनसफिशियंट यूज ऑफ द इनपुट्स, इसमें कच्चा माल भी कम लगेगा, जो हमें प्राइमरी लेवल पर चाहिए वो माल वो भी कम लगेगा, क्योंकि हमें कुछ तो मिल ही जाएगा अगर हम उन्हीं कपड़ों को रीयूज करके उनका कुछ अलग कुछ बनाएं जो फैशन है फिर से चल सके। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आप क्वेश्चन कर लेते हैं। फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सर्व इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सर्व इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन इन। ये है क्योंकि इंक्रीजिंग पोल्यूशन।
इससे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है। अ डाटा इन फिगर वन डिपिक्ट दैट द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट मीथेन विच लीड अ ग्लोबल वार्मिंग, द वेस्ट प्रोडक्ट कोज इमीन डिमेज ऑफ द एनवायरनमेंट, द लिक्विड वेस्ट अमाउंट 17 वाटर ऑफ पोल्यूशन, द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड अप द लैंडफिल्स। तो इसमें जो है ये डाटा क्या डिपिक्ट करता है, हमारा पहला डाटा को हम देख लेते हैं। पहला डाटा फर्स्ट डाटा हमारा करता है 70 ग्लोबल वाटर पोल्यूटिंग, ये भी है और ये ही करता है इसमें, क्योंकि बाकी तो नेक्स्ट में है तो इसमें हम इसे कर लेंगे। ये आपका सी हो जाता है। इन द फ्रेसिस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द वर्ड डिकम्पोजिशन डज नॉट कोरस्पॉन्ड विद द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, रूटिंग एंड डिकेइंग, बर्निंग इंटू पीसीज, सेपरेशन इंटू पार्ट्स। इसका जो ये है तो बच्चों इसमें ब्रेकिंग डाउन, रूटिंग एंड डिकेइंग, बर्निंग इंटू पीसीज एंड सेपरेशन इंटू पार्ट्स में जो कोरस्पोंडेंस नहीं करता डिकम्पोजिशन को, वो है आपका सेपरेशन। ये सेपरेशन है। नेक्स्ट में फिगर टू रिफ्लेक्ट्स द वे, जो फिगर दो ही हमें दिखाया गया जिसमें वो एक डाटा चार्ट है, वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, हमें अपने कपड़ों को जनरली वेस्ट जनरल वेस्ट करना चाहिए। द क्लोथिंग वेस्ट क्या शो कर रहा है, मतलब द क्लोथिंग वेस्ट हैंडल्ड ग्लोबली, इन विच द रिड्यूस द क्लोथिंग वेस्ट, वी आर यूजिंग द लैंडफिल्स फॉर आर क्लोथिंग वेस्ट। इसमें आपका ये वाला है, वी आर यूजिंग आर लैंडफिल्स आर क्लोथ, हम अपनी लैंड को अपने क्लोथ जो क्लोथ होते हैं वेस्ट क्लोथ उनको दबाने का यूज़ कर रहे हैं। अ सब्सटेनिव सॉल्यूशन ऑफ द ग्रीम प्रॉब्लम कुड बी जीरो क्लोथिंग फैशन। इसमें देखिए आपने पढ़ा था अभी, जीरो क्या था, लैंडफिल पॉलिसी थी, क्या थी, मैं अभी आपको इसमें पैराग्राफ में दिखाती हूँ। जीरो वेस्ट पॉलिसी है, कौन सी है, जीरो वेस्ट पॉलिसी, यानी कि यही है जीरो वेस्ट फैशन, ये है इसका आंसर। तो बच्चों आज आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।